हेलो फ्रेंड्स, मैं नरोत्राम लोरली और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अंबेडकर एंड पीपल्स वॉइस को। दरअसल आपको बता दें कि बसपा और लोसुपा लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का हरियाणा के अंदर गठबंधन हुआ है। इनेलो से गठबंधन तोड़ के बहुजन समाज पार्टी ने लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के साथ गठबंधन किया था और अब है ना वहाँ पे उन्होंने अपने जो उम्मीदवार है वो उतारने भी शुरू कर दिए हैं। जी, आपको बता दें कि लोकतंत्र जो सुरक्षा पार्टी है उसको 2 सीटें दी गई है और इसके अलावा भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से ऐलान किया गया है कि अगर सुरक्षा पार्टी को जरूरत महसूस हुई और सीटों पर चुनाव लड़ने की लोकतंत्र तो उनको 1-2 सीटें और दी जा सकती है। लेकिन ये साफ है कि 8 सीटों पर है वो हरियाणा की, 10 सीटों में से 8 पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी और 2 सीटों पर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी है वो चुनाव लड़ेगी। लेकिन विधानसभा चुनाव जब आएंगे तो उसके अंदर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ज्यादा सीटों पर लड़ेगी और बसपा कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन अभी तक यह तय हो चुका है कि दोनों पार्टियों ने अपने मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और किसी भी वक्त कभी भी है वो जो उम्मीदवारों की है वो भी घोषणाएं लगातार की जा रही है। अभी तक बसपा की तरफ से तो नहीं, लेकिन लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ने जो गठबंधन है दोनों का उसके तहत 1 सीट जो है वो उम्मीदवार उतार दिया है। आपको बता दें कि भिवाणी महेंद्रगढ़ सीट है जिसमें लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के खाते में ये सीट आई है और वहाँ से अपने ही प्रदेश अध्यक्ष जो रहे थे, इतने दिन प्रदेश अध्यक्ष थे लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के LSP के, उनको जो रमेश राव पायलट, उनको वहाँ से OBC के नेता है, बड़े नेता के तौर पर माने जाते हैं लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के अभी तक के मुखिया रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, तो उनको है वो सीट दे दी गई है। मतलब जो अपना पहला उम्मीदवार है हरियाणा के अंदर सपा बसपा जो सपा और लोसुपा की जो गठबंधन है उसका पहला उम्मीदवार है आप लोगों के बीच में आ चुका है। उनका नाम महेंद्रगढ़ से वो चुनाव लड़ेंगे, किस रमेश राव पायलट उनका नाम है। तो ये एक बड़ी खबर है इस वक्त की हरियाणा से कि दोनों ही उम्मीदवारों ने अपने पार्टी के जो उम्मीदवार है उनको उतारना शुरू कर दिया है। इसी के साथ आपको बता दें कि पार्टी के सूत्रों के साथ साथ जो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने एक सूचना जारी की है कि BSP सुप्रीमो मायावती हरियाणा के अंदर करीब 3 से 4 रैलियां कर सकती है। जी, आपको बता दें कि और इसको लेकर है वो तैयारी भी शुरू हो चुकी है, कभी भी उन रैलियों का है वो ऐलान हो सकता है। बस BSP सुप्रीमो मायावती से उनकी जो तारीखें हैं वो लेना बाकी रह गया है। तो ये साफ हो चुका है कि जो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो है मायावती, वो हरियाणा के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा रैलियां कर सकती है। तो अगर 10 सीट में वो 4 जगह पर रैलियां करती है तो 2-2 सीटों के हिसाब से वो एक मजबूती के साथ उन सीटों पर चुनाव ज़्यादा पर फोकस रहेगा जिन पे बसपा या तो जीती हुई है एक बार या फिर जिन सीटों के ऊपर बसपा का अच्छा खासा जनाधार है उन सीटों के ऊपर बसपा सुप्रीमो मायावती की है वो रैलियां करवाई जाएगी। तो ये कुल मिलाकर एक अच्छा समीकरण है, यहाँ से अच्छी खबरें मिल सकती है आने वाले लोकसभा के चुनाव के परिणामों के बाद। तब तक आपसे लेते हैं विदा। जय भीम और जय भारत। आप हमारे चैनल अम्बेडकर पीपुल्स वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और पाइए हर वीडियो की नोटिफिकेशन।